प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को क्लास टेंथ के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको आईटीआई के कंपटीशन एग्जाम, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल में भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से कंसेप्ट के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर केवल एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, इसके पांच या पांच से अधिक पार्ट में ये कंप्लीट होगा। तो संपूर्ण वीडियो को कंसेप्ट के साथ जरूर देखें। तो द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में हम समझाते हैं। तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप लोग को कंसेप्ट देंगे। तो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश बोर्ड वाले इंग्लिश माध्यम के अनुसार कंसेप्ट लेने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एन इक्वेशन, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? क्यू से हो गया क्वाड्रेटिक, और ई क्यू पे पावर एन को इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या हम लोग देखे कि कोई भी समीकरण मतलब एन इक्वेशन इन द फॉर्म मतलब किस फॉर्म में रहे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कोई भी समीकरण यदि रहता है तो वो कैसा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, ए जो है बी है और सी, इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ए बी और सी जो है ये क्या होना चाहिए? वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी और सी में भी जीरो हो सकता, मतलब जीरो या जीरो हो सकता है बी और सी, लेकिन ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ? कंप्लीट डिफिनीशन हम लोग देखे द्विघात समीकरण का। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे? डिफिनीशन देख रहे थे कि डिफिनीशन क्या होता है। तो कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे और ए का मान जीरो नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोफिशियंट होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू मतलब एक्स के साथ जो गुणांक रहे या अचर संख्या जो रहे वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक बी होगा, सी क्या होगा? अचर संख्या होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ए यहाँ पर क्या हम लोग कह रहा, ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है। बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स है। सी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब अचर संख्या। कांस्टेंट मतलब कौन संख्या? अचर संख्या। इसको क्या बोलेंगे? एक्स का गुणांक, इसको क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो कोफिशियंट का मतलब होता है गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाया, एक्स का गुणांक बी और अचर संख्या सी कहलाया। तो ये हम लोग इसी का हिंदी में डिफिनीशन यदि लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा, कोई समीकरण, कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में रहने पर द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां भैया का मतलब जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बी सी क्या है, कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है और ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग हिंदी में डिफिनीशन देखे और इसका भी हिंदी देखे। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि द्विघात समीकरण का क्या क्या एग्जाम्पल होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे रहे, पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस तीन। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में है, एक्स है और अचर संख्या बराबर जीरो देंगे, बराबर जीरो नहीं रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। यदि इतना ही लिखते हैं तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, जो कि अब हमारे सेकेंड चैप्टर में ये पढ़ाया गया है, ये एक्सरसाइज फोर है, ये हमारा एक्सरसाइज फोर है क्लास टेंथ मैथ के लिए। तो यहाँ इक्वल टू जीरो देना अनिवार्य है। तो ये समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान का गुणांक जीरो नहीं है। सेकेंड में देखेंगे जैसे पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स बराबर जीरो, ये भी दे सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है, क्यों, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो। देखिए यहाँ पर सी का मान जीरो है, नहीं कुछ है ऐड, तो यहाँ पर हम लोग जीरो है, तो सी का मान यहाँ पर क्या है, जीरो। तो सी का मान और बी का मान जीरो रह सकता है, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं रह सकता है। तो ये और ये दोनों द्विघात समीकरण है, दोनों एक ही है। पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स बराबर जीरो लिखिए या पांच एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो लिखिए, दोनों का अर्थ यही हुआ। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे रहे टू एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो द्विघात समीकरण है। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल क्या रहे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए थ्री एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू जीरो है, इसी को लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो। तो जौन सा टर्म नहीं रहेगा मतलब वो टर्म जीरो है। तो यहाँ पर बी वाला टर्म नहीं था तो बी वाला टर्म क्या है, जीरो। यहाँ पर सी वाला टर्म नहीं था तो सी का मान क्या हो गया, जीरो। तो जौन सा टर्म नहीं रहेगा उस टर्म को हम लोग, तीन टर्म होता है ए बी और सी, तो बी भी बी नहीं रहेगा तो बी इक्वल टू बी बी का वैल्यू जीरो है। सी यदि एब्सेंट रहेगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। लेकिन ए कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता है, मतलब ए हमेशा, ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ए हमेशा उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या था, एक्स वाला टर्म नहीं था, एक्स किसको बोलते हैं, बी वाला को, तो बी का मान क्या हो गया, जीरो हो गया प्लस सी। तो ये द्विघात समीकरण है। और एग्जाम्पल देते हैं फाइव नंबर में, जैसे रहे एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। यहाँ पर अब बोला जाए कि ए का वैल्यू क्या है, तो देखिए ए के साथ नहीं कुछ तो वन है, तो ए का वैल्यू वन हो गया, बी का वैल्यू छ हो गया, सी का वैल्यू थ्री हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ये सब क्या है, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया।